कि अभी आमिर भाई जो है अंडर ऑब्जर्वेशन ही है। रात का 1:30 बज रहा है, सुबह मैं जा रहा हूँ इस बक्शनगर हॉस्पिटल, बिकॉज भाई एक सीन हो गया बहुत तगड़ा वाला, तो भाई उसी लिए भाई अब बक्शनगर हॉस्पिटल जा रहा हूँ भाई। तो भाई रोड पे कोई भी नहीं दिख रहा भाई, एकदम सुनसान रोड है भाई। वैसे हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल, चलते हैं फटाफट अंदर यार। अब खड़ी है हमारी मजनू, सुबह अंदर जा रहा हूँ, सो लेट्स सी के अंदर क्या सीन रहता है। हॉस्पिटल वगैरह आए हुए थे, सो आमिर भाई के शूज़ वगैरह पड़े हैं गाड़ी में, सो वो निकालते हैं, उनको देते हैं भाई। सो गाइस हियर इज ओवर मजनू, सो पहले चेक करते हैं भाई शूज़ है कहाँ पे, पीछे पड़े हैं, यही पड़े। अभी टाइम हो रहा है कुछ 5:30 और भाई अभी हम हैं GMC का अपना बख्शी नगर। सो यार सीन कुछ ऐसा हुआ कि आमिर भाई को ना 2 महीने से काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स आ रहे थे भाई। तो आज जो है ना वो अपने सिद्धला बैठे हुए थे अपने कैफे में, सो डिनर वगैरह कर रहे थे। सो बाहर से ना एक ग्रुप आया, सो उन्होंने ना उन पे जो है अटैक किया। सो जिस अटैक में जो है आमिर भाई पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सीरियस इंजरीज आई हैं, कुछ मल्टीपल फ्रैक्चर्स ऐसा बोल रहे हैं। बिकॉज हम तब से ना यहीं पे बैठा हुआ मैं, हमें हो गए 5-6 घंटे हो गए गाइज, हम यहीं पे बैठे हैं, ट्रीटमेंट्स वगैरह करवा रहे हैं। अभी भी जो है मैं मेडिसिन लेने ही बाहर जा रहा हूँ। सो भाई मुझे सिर्फ इतना बताओ यार, वो बंदा अपनी अपनी मेहनत करके चढ़ा है, तो तुम लोगों को ना पता नहीं क्या चुल मचती है भाई। खुद तो कर नहीं सकते हो और जो कर रहा है ना भाई उसका करते उसे करते हो आप देख नहीं सकते। भाई ये एक बार का नहीं है, आपको पता है पहले भी हो चुका है। सो काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स जो है इनको आते रहते हैं हमेशा यार, हर बार हम भाई को बोलते हैं कि यार मतलब प्लीज़ इतना जो अपना केयरलेस मत रहो, बट यार भाई पता क्या डाउन टू अर्थ है, मतलब किसी के साथ कोई ज़्यादा फालतू बात नहीं कुछ नहीं। तो बंदा जब कहता है कि जब मैं किसी के साथ कोई बुरा नहीं करता तो कोई मेरा बुरा क्यों चाहेगा, बट भाई लोगों की ना जलती है, जब कोई चढ़ता है ना तो लोगों की भाई बहुत जलती है। तो उसी जेलसी के चक्कर में भाई जो ये सब हुआ ना, तो वो जेलसी का ही एक मेन फैक्टर है उसमें। जैसा कि वो बता रहे हैं कि पहले ना वो गाड़ी के पास आए, गाड़ी उन्होंने देखी दुखी पूरी, तो उसके बाद जो है वो अंदर कैफ़े में आए और जो है उन पर अटैक हुआ, और जिसमें जो है उनके हेड पर भी थोड़ी इंजरी आई है और थोड़ी बहुत जो है आर्म पर जो है इंजरी आई है। सो ब्लेट सी कि डॉक्टर्स वगैरह क्या बोलते हैं, अभी तो डॉक्टर्स ने कुछ कंफर्म वगैरह किया नहीं है, तो जैसे ही जो डॉक्टर अब जो है हमें रिपोर्ट्स देंगे हम वो आपको बताते रहेंगे। सो गाइस आई डोंट नो कि ये कौन सा इंजेक्शन वगैरह है, सो अभी ये जो है मंगाया है डॉक्टर्स ने देने के लिए, आई थिंक ये पेन किलर वाला इंजेक्शन है। सो वो जो है उनको देंगे कि उनकी जो है पेन जो है थोड़ी कम हो जाए, तो उनको जो है दर्द ज़्यादा फील ना हो। बिकॉज इस टाइम जो है गाइस आपको पता है जब बोन फ्रैक्चर होती है या फिर आपको जब डीप कट्स लगते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। उनको स्टिचेस भी आए हैं और साथ में जो है इंटरनल भी उनको लगी है। सो आई थिंक सो उसी के लिए जो उनको ये पेन किलर का इंजेक्शन दिया जाएगा अभी, जिससे उनकी जो है पेन में जो थोड़ा सुधार आएगा। उनको जो है रिलीफ मिलेगा, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। सो क्या कह रहे हैं, मतलब ठीक है ना भैया? हाँ अभी तो मतलब बहुत ही ठीक है, बड़ा फर्क पड़ा अभी, तो अभी देखेंगे नेक्स्ट। सो भाई मतलब यही है जेलसी का ये मेन फैक्टर जो है ना, वो जेलसी फैक्टर है भाई। खुद जो कुछ होता नहीं है, जो दूसरा कर रहा है ना तो भाई उसको देखा भी नहीं जाता इनसे भाई। सो होप फॉर दी बेस्ट, बट भाई जो चीज़ें वो सोचते हैं ना कि हम कुछ करेंगे तो जो है इनका सिस्टम सारा बैठ जाएगा, सर्कल रुक जाएगा, सो गाइस वो चीज़ नहीं रुकेगी, टेंशन मत लो। तो यार सुबह के बज रहे हैं इस टाइम गाइस 7:30, तो अभी मैं जा रहा हूँ गाइस घर की ओर, और भाई अभी आमिर भाई जो है अंडर ऑब्जर्वेशन ही है। सो बस भगवान से प्रे करेंगे कि भाई बहुत जल्द जो है ठीक हो जाए। और भाई मतलब यार ये समझ नहीं आता कि भाई तुम अगर कुछ कर नहीं सकते तो तुम भाई जलते क्यों, बस जो कर रहा तो भाई उसको देख के सड़ो मत भाई, रीस करनी है रीस करो भाई, जलो मत किसी से।